हे गाइस, क्या हाल चाल। उम्मीद करते कि सारे लोग बड़े हो गए। तो गाइस अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और गाइस अभी आप देख रहे हैं कि हम हाईवे के पास है, हम और सलमान साथ में आए हुए। तो अभी हम लोग जा रहे थे फ्यूल डलवाने के लिए, बट हाँ फ्यूल डलवा ली अभी, जस्ट 110 रुपए का फ्यूल डलवाए, क्योंकि ज्यादा नहीं डलवाते क्योंकि बाहर ज्यादा जाते नहीं है, बट हाँ कहीं कहीं पे टाइम पड़ता है तो जाते हैं। तो अभी ना हम लोग ऑफ रोडिंग करने का सोच रहे हैं, इधर खेत वाले रास्ते से ना उस वाले रास्ते में जाना है। बहुत दिन हो गया ऑफ रोडिंग किए नहीं है और बहुत दिन से स्कूटी बाहर नहीं निकाले, तो चलिए आज करते ऑफ रोडिंग। वैसे सलमान से पूछे करेगा कि नहीं ऑफ रोडिंग, तो सलमान बोल रहा करेंगे। और आप देख रहे कि मस्त हम नहा धोवा के रेडी हो गए थे, कोटे में फ्यूल नहीं था, बट हम लोग जा रहे थे मार्केट के साइड थोड़ा सा बैंक का काम से, तो वो भी करना है, पहले ऑफ रोडिंग करेंगे क्योंकि बहुत दिन हो गया स्कूटी खेतों में नहीं चलाए। चलिए चलते, बाकी सरसों वरसों देख सकते पूरा फैला हुआ। चलिए अभी फटाफट से चलते खेत वाले रास्ते से, वहाँ देखिए वो वाला बाइक भी जा रहा है, उधर और भी औरत लोग जा रही है, सबको वहाँ जा रहा है उस वाले गाँव में। अभी हम लोगों को भी वहीं चलना है, देखिए सबको। क्या नाम है? गढ़गवा। गाइस उस गांव का नाम है गढ़गवा। ये वाला रास्ता नया बना है, पता नहीं इसको कौन बना दिया, बट हाँ ये रास्ता पहले नहीं था, ये खेत था। अभी फिर कुछ दिन बाद इसमें फसल लग जाएगा तो ये रास्ता बंद हो जाएगा, बट अभी खुला हुआ है। खेत वाला रास्ता मस्त ऐसा जिगजैग में गया हुआ है, चलिए इसमें जाते देखते कैसा मजा आएगा। चल पकड़, अब हम चलाते गए। ये वाला रोड स्टार्ट वहां से होता है, हम लोग इस साइड से आ गए तो बहुत ज्यादा उछल कर। हम लोगों को कोई मतलब नहीं है इधर आने का, बट हम लोग आ रहे हैं क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से खेत में चलाए नहीं स्कूटी। और देखिए कुछ ऐसा रोड है और मस्त स्कूटी उछल रहा है इधर उधर इधर उधर इधर उधर। तो हम लोग अभी खेत के बीच में है, वहाँ पे रोड है और मजा आ रहा बहुत। बड़ा गाड़ी भी इधर से जाता है, हमको लगता है ट्रैक्टर जाता होगा ना, तो वही लोग रोड बना दिया होगा। अरे इधर देखे क्या क्या लगा हुआ है खेत के बीच में। हम लोग चारों तरफ बस दूर दूर तक बस खेत ही खेत, और हम लोग बीच में है, और अभी हम लोग को वहाँ जाना आगे, और रास्ता कुछ ऐसे घुमाओ सा है, मजा आ रहा है ना। जंपिंग जपा के जंपक जंपक पूरा हो गया सब जो है ना, पूरा कटा हुआ है। धान कटने के बाद इस खेत में कुछ भी नहीं लगाया, बहुत लोग सरसों लगा देता है बट ये लोग कुछ नहीं लगाया, तो इन लोगों का खेत ऐसे रास्ता बन गया। फाइनली अभी हम लोग रोड के ऊपर आ गए, और ये वाला रोड कुछ ऐसा है, ये ना पहले बहुत पहले ये बहुत ज्यादा प्लेन रोड था, मतलब पीच वाला रोड था, अलकतरा वाला। तो इसमें ना हम लोग स्केट बोर्ड लेकर के आते थे, यहाँ पे चलाने सीखते थे स्केट बोर्ड। बहुत पहले मेरे पास एक स्केट बोर्ड था, अभी भी घर पे पड़ा होगा, अभी यूज नहीं करते उसको क्योंकि उसका चक्का खराब हो गया। पहले जब बहुत 5-6 साल पहले ये वाला रोड पूरा एकदम प्लेन था, और यहाँ पे हम लोग स्केट ही सीखने के लिए आते थे। और ये देखे सरसों का खेत, पूरा सरसों उगा हुआ है, बस यही हरा हरा लग रहा है। इधर वाला आदमी सरसों लगाया और इधर वाला जिसका खेत है वो कुछ नहीं लगाया। अभी सीधा चलते हैं बैंक के साइड, बैंक से फटाफट काम करवा के आते हैं। तो यही गांव है जहाँ पे हम लोग का मुन्नी रहता है, हर बार यहीं पे मिलती है जब भी मुन्नी खोली। बड़ा वाला नहीं है, बड़ा वाला नहीं। फाइनली अभी घर पहुँच गए, अभी ना मस्त हम लोग गए बैंक, बैंक से सारा काम करवा लिए, और सलमान का भी काम हो गया, बट इसका ना कल खाता खुलेगा, अभी भी इसका खाता लॉक है। कितना दिन बोला था? 15 दिन के बाद खुलेगा। मैं 7 दिन, टोटल 7 दिन का इसका टाइम लिया है। और अभी हम लोग देखिए क्या लेकर के आ गए, एक दुकान में रखे वहाँ पे आइसक्रीम लेकर के आ गए। चलिए अभी पीछे के साइड चलते, मस्त मस्त एकदम पेड़ के पास बैठ करके खाएंगे। हाँ तो एक किसी को बुला लो, गए थे कौन लेने के लिए, कौन मिला नहीं, ये बाटी वाला मिला, इसको बाटी वाला कटोरा वाला, तो इसी को खाते अभी कुछ नहीं खाएंगे। चलो चलो, अरे तुम भी खाएगा इसका, दे दो एक। देखने आए तुमको तो इनवाइट कर दिया भाई। अरे हाँ आज तो तेरा पेपर है, क्या हो गया, कितना बजे खाने में, क्या 2 बजे गए, इसका 2 बजे पेपर है आज, हम लोग का घर में इनवाइट है, सबको हम लोग खाने जाएंगे, और दोपहर का इनवाइट है, पता नहीं अरमान कैसे जाएगा। अरे उसमें एक पीस मेरा है, किधर लेके जा रहा तुम, यहाँ पेड़ के पास खाएंगे, पढ़ने जा रहा है क्या, तो क्या करने जा रहे हो? पबजी खेल रहा। अरे तुम कैसे आ गई, अब तुमको किधर से खेला है? पबजी खेल रहा ना, खेला था। बहुत चालू है गाइस, इसका एग्जाम है 11th का, पर पबजी खेलने में बिजी है। लो तुमको एक चम्मच दे देंगे, पकड़ो। अरे तो हम नहीं लाए ना, हम 3 ही लेकर के आए थे, पकड़ो। आधा नहीं देंगे, अरे कितना पत्थर के जैसा जम गया है, ये वाला जम करके पत्थर बन गया, टूट ही नहीं रहा। और सैराबाजी को देंगे, अच्छा हम सैराबाजी आधा खा लेते, तुमको आधा दे देंगे, ठीक है। चले गाइस अभी खाते हैं आइसक्रीम, और पता नहीं अरमान एग्जाम देने जाएगा तो दावत में नहीं जा पाएगा, बिना खाना खाए जाएगा, और घर में खाना भी नहीं बनाई मम्मी। क्या करेगा अरमान, आइसक्रीम खा के चल जाओ। बना है रे खाना? नहीं बना है, खाओ खाओ। अभी ना दोपहर के 4 बजे, और जो मेरी संजली दादी थी ना उसका 40वां था, मतलब संजली दादी कैसा बताए, मतलब एक बड़ा वाला दादा है, मेरे दादा का टोटल 5 भाई है, तो मेरे दादा के बाद जो छोटे वाला भाई है ना उसकी बीवी मतलब मेरी दादी लगेगी, उसका इंतकाल हो गया था आज, उसका 40 दिन पूरा हो गया, तो उसी का ना आज कुरान खानी था, तो हम लोग कुरान शरीफ पढ़े थे ना, तो उसके बदले हम लोगों को नाश्ता मिला। तो आप देख सकते हैं अभी यास्मीन बैठ करके नाश्ता खा रही है, और ये रहा मेरा नाश्ता, क्योंकि हर कोई जितना कोई कुरान पढ़ता है ना, मतलब हर एक पारा पढ़ता है, तो हर पारा के बदले एक एक डब्बा नाश्ता मिलता है, सब कोई को मिलता है, पूरा गाँव को, जितना लोग कुरान पढ़ेगा सब लोगों को नाश्ता मिलेगा। तो ये रहा मेरा डब्बा, जिसमें से पहले ही कुछ थोड़ा गायब कर दिया मोनू, तो इसके अंदर आया है भुजिया, समोसा, जलेबी, बहुत कुछ है, तो चलिए अभी खाते हैं। करंट मार दिया, मारा ना करंट,
तुम मेरा से क्यों खा रही जब अपना खा ली? गाइस देखिए अपना ना पूरा का पूरा खाली कर दिए और मेरा लूट रही है। चलिए अभी ये खा लेते हैं सबसे पहले तो। मस्त नाश्ता तो खा लिया, बट आज ना जैसे कि अरमान का एग्जाम था, आप लोगों को बताया था अरमान का पेपर था, अरमान से पूछते कि उसका एग्जाम गया कैसा है, कैसा गया रे एग्जाम? अच्छा गया। अच्छा सब लिख करके आ गया? किस चीज का एग्जाम था आज तेरा? इंग्लिश। इंग्लिश का पेपर था? कैसा मतलब सब भर दिया? हां सब भर दिया। लिखने वाला एग्जाम था या ऑब्जेक्टिव था? ऑब्जेक्टिव। गाइज ये बस गया 2 बजे, 2 बजे निकला था या 1:30 बजे निकला था? 1:30 बजे। 1:30 बजे निकला और 4 बजे आ गया था ना? 4 या 4:30? 3:30। 3:30 ही बजे आ गया था। अरे भाई साहब 1 घंटा का एग्जाम था। एक घंटा का एग्जाम देने गया था। इसका एग्जाम ना ज्यादा दूर नहीं पड़ा, जो इसका सेंटर है ना पहाड़ जो हम लोगों का, उसका उस पार ना गर्ल हाई स्कूल है, वही गर्ल हाई स्कूल में इसका एग्जाम है, तो वहीं गया था एग्जाम देने के लिए। अभी ना एक बहुत बड़ा दिक्कत आ रहा है मेरे चैनल में, मेरा चैनल नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे यूट्यूबर के साथ ऐसा दिक्कत हो रहा है, पता नहीं ये यूट्यूब का बग वगैरह है क्या है पता नहीं। देखिए आप लोगों को दिखाते कि दिक्कत आ क्या रहा है। तो अभी फटाफट से पहले तो फोन ऑन कर लेते हैं। तो हम ना लगभग 3 बजे के आसपास वीडियो अपलोड कर दिए थे, और वीडियो अपलोड करने के बाद ना ये यहाँ पे शो नहीं हो रहा था, मतलब अभी तो शो हो रहा है बट ना ये यूट्यूब में ही शो नहीं हो रहा है। देखिए हम लगभग कब का अपलोड किए और अभी तक 3 ही व्यूज आया, जबकि अभी तक मैं लगभग 50-60 व्यूज आ ही जाता था इजिली, बट अभी तक इतना भी व्यूज नहीं है। वीडियो पब्लिक कर दिए हम 3 बजे के आसपास और वीडियो पे देखिए व्यूज ही नहीं है। 1 घंटा 47 मिनट पहले अपलोड हुआ और अभी 5 बज रहा है, मतलब हाँ लगभग 3:30 बजे के आसपास वीडियो अपलोड हो चुका था, और देखिए वीडियो दिखाई नहीं रहा, यूट्यूब पे शो ही नहीं कर रहा कि वीडियो अपलोड है, जबकि देखिए लास्ट वीडियो ये है ना, ये 1 दिन पहले और ये 1 घंटा पहले। तो अभी आप लोगों को यूट्यूब पे जाके दिखाते हैं तो देखिएगा क्या शो करेगा। अभी यहाँ पे जाते हैं, सीधा सर्च करते हैं इमरान ऑफिशियल ब्लॉग सर्च किए। अब देखे जाते ना चैनल पे तो लास्ट वीडियो देखे क्या दिखाएगा। लास्ट वीडियो सबे बारात वाली, जबकि हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसको पब्लिक भी कर दिए, सब कुछ कर दिए, पर वो वीडियो यहाँ पे शो ही नहीं हो रहा है, व्यूज किधर से आएगा गाइस? पता नहीं ये बग क्या है और ये मेरे चैनल पे हो रहा है, जिसकी वजह से हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं ऑलरेडी बट वीडियो अभी तक दिख नहीं रहा है। जितने लोग भी वीडियोस देखते हो ना चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, और ऐसे देखो घंटी को ऐसे कर देना एकदम एनेबल कर देना, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर से आ जाए। प्लीज चेक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना, और जो अभी ब्लॉग पता नहीं ये बग कब तक ठीक होगा, जब तक ठीक होगा, जैसे ठीक होगा आ जाएगा। आपको पता है हमको लगा ना कुछ तो हो गया मेरे चैनल को, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम उस चक्कर में ना बार बार वीडियोस को अपलोड कर दिए। हम एक ही वीडियो को ना यूट्यूब पे 3 बार अपलोड किए, तो एक बार YT स्टूडियो में शो ना स्टार्ट हुआ और वो फिर भी वहाँ पे YouTube पे शो नहीं हो रहा, बस एक बार शो हो गया YT स्टूडियो पे शो हुआ, जबकि 3 बार हम टोटल अपलोड किया, अब 2 बार दिख नहीं रहा, 2 को डिलीट करना है, वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा, तो डिलीट किधर से करे, पता नहीं ये बग कैसा ठीक होगा। सब कुछ कर लिया एकदम टाइम पे, अपलोड भी कर दिया, बट वीडियो अभी तक मतलब पब्लिक हो गया बट लोगों तक जा नहीं रहा, ये YouTube का कौन सा ग्लिच है, बट हाँ जल्दी ठीक कर देंगे, शायद रात तक में या फिर कल तक में तो ठीक कर ही देंगे, YouTube इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है तो उसको ठीक करना ही पड़ेगा जल्द से जल्द, तो हो जाएगा ठीक, फिर वीडियो टाइम पे आ जाएगा आप लोगों के लिए। वैसे हम वीडियो टाइम पे अपलोड कर दिए, ये YouTube वाला कर रहा है। तो गाइस अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं, अभी हम मम्मी और सायरा जी कहीं जा रहे घूमने के लिए, शायद अरमान भी आएगा पता नहीं। सायरा आ रही है, मम्मी ये रही, आंटी के पास गई यासमीन, नहीं है तो यही तो मैदान, तो यासमीन भी जाएगी, मतलब हम लोग 4 जा रहे हैं और अरमान भी साथ जाएगा। अरमान गाइस अभी हम लोग सबको ही जा रहे हैं, मम्मी यास्मीन सैराबाजी अरमान और हम, और मैदान हम लोग किस लिए जा रहे हैं वो बताते हैं। अभी ना बहुत सारा गाय आने वाला है और मम्मी ना बोले कि गोबर लेंगे और उठाने के लिए किसी और को रखेगी, क्योंकि चूल्हा जलाते हैं ना तो चूल्हा में गोबर का बहुत काम आता है, मतलब उससे गोबर को ठोक करके गोईठा बनाती मम्मी और फिर उससे चूल्हा जलाती है तो खाना जल्दी बनता है, मतलब कोयला जलाने के लिए गोबर का यूज होता है। अच्छा कोयला भी गोबर से ही चलता है? अच्छा इसलिए मम्मी ना कोयला तो पापा लेकर के आ जाते हैं कहीं से जुगाड़ करके, मतलब आता है कभी कभी साइकिल वाला उसको फोन कर देते तो वो कोयला ला देता है, बट गोबर नहीं रहेगा तो कोयला जलता नहीं है और किरोसिन जल्दी मिलता नहीं है, पहले मिलता था बट अब धीरे धीरे सब जगह किरोसिन मिलना बंद हो गया, किरासन तेल नहीं मिलता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वही गाय वाले के पास बोलने के लिए, तो साथ में हम भी जा रहे हैं देखने के लिए कि गाय किधर है, किधर है गाय सब किधर है गाय जाएगा, गाय कहाँ पे है, इस घर के पीछे के साइड, बस यहाँ पे सामने में गाय है, चले अभी चलते गाय के पास। अभी ना सीन हो गया, हमको लगा गाय का गोबर लिया मम्मी लोग, बट मम्मी लोग ना भैंस वाले को बोली है, और भैंस ना हमेशा जब पूरा रात हो जाता है ना तो आता है, अभी तो शाम है ना तो अभी नहीं आएगा, गाय अभी टाइम इस टाइम पे आ जाता है बट भैंस इस टाइम पे नहीं आता है, तो क्या चल गया गाय वाला लोग, पैसा दे दिया गाय वाला लोग चल गया, अरे अभी टाइम थोड़ी ना था उन लोग आने का, तो फिर पहले कैसे आ गया, ऐसे भी गाय वाला आएगा, अब तुम लोग को दूध दे देगा ना गोबर के जगह, गोबर बोला क्या मम्मी, अब गाय आएगा, गाय वाला सही लगा, तो हम बोल रहे भैंस से मत लो रे पागल, तो भैंस ना इतनी चलो हगेगा, उधर चल गया खेत पहाड़ के साइड, चले अब हम लोग घर, हद आ रहा, चल गया वो बोल रहा था पहले से कि चल जाएंगे हम, चल गया गाय वाला, अब पता नहीं वो कहीं और चल गया होगा लेकर के अपना गाय को, फिर कुछ दिन बाद ना बहुत सारा गाय आएगा, अभी भैंस वाला आया था, भैंस वाला चल गया, अब गाय वाला आएगा कुछ दिन में, जब गाय वाला आएगा ना तब दिखाएंगे आप लोग, बहुत सारा गाय आता है इधर, और अभी अजान
हो रहा मगरिब का, तो चलते हैं अभी घर। मम्मी अभी बोली कि वहाँ से नहीं लेगी, और जो गवाला को ये लोग पैसा दे देना, वो गवाला अपना गाय को लेके चल गया, मतलब भैंस को लेके चल गया, वो बट आकर के दूध दे देगा। वो ना यहाँ से दूसरा गाँव शिफ्ट हो गया, मतलब उन लोग का यही रहता है कि गाँव 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 लेकर के आता है, ढेर सारा भैंस लेकर के आता है और सब कोई को चराता है। अभी दूसरा गाँव चल गया, फिर कुछ दिन में ना बहुत सारा नया वाला गवाला आएगा, जो नया वाला आएगा ना वहाँ पे रहेगा उस जगह में, तो वहाँ से लेगी तो पास पड़ेगा ना घर का, वहाँ से गोबर लेगी तुरंत यहाँ रख देगी, और फिर जब सूख जाएगा तो उठा के घर लेकर के चल जाएंगे, कितना सामने पड़ेगा। चलिए अभी चलते घर, क्योंकि शाम हो चुका है, सूरज डूब गया कब का, और मौसम कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा, मतलब ऐसा है कुछ मौसम। और इन लोग दोनों को देखिए, गप्पे लड़ा लड़ा के जा रही है, मम्मी को पीछे रख लिया, अभी मिलाद हो जाएगा ना। हाँ, अभी मिलाद भी है, वो दादी का 40वां है ना, तो सुबह कुरन खाने था, रात में मिलाद है, तो रात में हम लोग मिलाद में चले जाएंगे। चलिए अभी चलते घर, क्योंकि शाम हो चुका है। तो गाइस अभी रात के 8:30 बज चुके, और गाइस अभी खाना खाने का टाइम हो गया, हम लोग सब कोई मिलाद में गए हुए थे, हम सुबह से टी शर्ट पहन के थे, बट अभी हम शर्ट पहने, तो मिलाद से जस्ट अभी कुछ देर पहले आए, 7:30-8 बजे के आसपास आ गए थे हम लोग घर, फोन चार्ज में लगा हुआ था। चलिए अभी खाना खा लेते हैं, यास्मीन फटाफट से गाजर काट रही है। क्या बात पूछे, अब तुम हम लोग से पूछो क्या, देखो उल्टा छील दी, तुम जो मिलाद में गए तुम लोग क्या क्या सुनी, क्या क्या सुनी, कुछ भी नहीं सुने, क्योंकि चिल्ला चिल्ली हो रहा, तुम लोग सब सुनता साफ साफ। हाँ तो इन लोग बच्चा के तरफ बैठे हुए थे, मतलब लड़की के तरफ ना, बहुत छोटे छोटे लड़की वाला बच्चा है, लड़की वाला बच्चा नहीं, वो छोटी छोटी बच्ची लोग है ना, तो सब उधर अंदर के साइड गए थे, और लोग जहाँ जहाँ 3-4-5-6 छोटी बच्ची रह गए वहाँ पे हल्ला होगा, इसलिए उधर हल्ला ही हो रहा था, और हम लोग के तरफ लड़का के तरफ बच्चा लोग, मतलब अगर छोटा भी बच्चा चिल्लाएगा ना, बड़ा बड़ा अंकल लोग वो लोग डांटते हैं तो खुद शांत हो जाता है, तो इसलिए हम लोग के तरफ बिजी बोल रहा था, तो आवाज हम लोग को अच्छा से आ रहा था, बट इन लोग के साइड से चिल्ला रहा था। अभी खाना खा लेते, खाने में मटन है, पुलाव भी है और रोटी भी है, वैसे हम रोटी खाएंगे क्योंकि पुलाव खाने से हमको गैस हो जाएगा रात में। चलो और मिठाई भी है, और गाइस मिठाई भी है, ये यास्मीन लेकर के आई है, और सब खा भी ली, बहुत सारा लाई थी। तो चलिए गाइस अभी फटाफट से खाना खा लेकर ब्लॉग को करते हैं, आई होप आप सभी आज का ब्लॉग पसंद आएगा, और ब्लॉग पसंद आया फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ गाइस, कुछ दिनों बाद बहुत सारा गाय आएगा ना, तब उस टाइम पे गोबर लेंगे घर वाले, तब आप लोगों को दिखाएंगे। चलिए अभी ब्लॉग को करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।